ये दृश्य और ये क्या कहते हैं अभी जो भेड़िया मूवी आई थी उसके बाद अगली सुपरहिट मूवी यही है। सर फिल्म कैसी लगी? सर मूवी बहुत अच्छी थी, बहुत ही शानदार मूवी थी। बल्कि जो जैसा नाम है ना इसका एन एक्शन, जितना इसका अटपटा नाम है एन एक्शन हीरो, वैसे अटपटी कहानी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही शानदार कहानी है। अगर मैं कायदे से बोलूँ ना तो मैं मतलब फर्स्ट टाइम ऐसी मतलब इतनी उलझी हुई कहानी देख रहा हूँ जो कि मेरे को अंत तक बांधे रखती है। ज़्यादातर फिल्में जो रहती हैं तो मतलब कि बीच बीच में 10 मिनट का हो गया, 20 मिनट का हो गया, या कहीं ना कहीं आपको बोर करती हैं, चाहे वो गाने को लेकर हो चाहे किसी भी चीज़ को लेकर हो। लेकिन ये गाने मेरे को, ये जो पिक्चर है मेरे को अंत तक बांधे रखी है। मतलब कि हर एक सीन में, हर एक टेक में ऐसा लग रहा था कि जैसे एक नया क्लाइमेक्स चल रहा है, ऐसी मूवी मेरे को लगी। सर आयुष्मान खुराना ने ये मनवा लिया है कि भैया वो यूनिक है, मतलब एक यूनिक पर्सनैलिटी है, वर्सटाइल एक्टर है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है। बाकी कहानी और बहुत अच्छी है और आयुष्मान खुराना की एक्टिंग भी बहुत दमदार है, मतलब फुल सस्पेंस भरी है। बहुत ही ज़्यादा एक्शन सीन्स तो इतने गजब के लग रहे हैं कि मैं क्या बताऊं सर। बहुत ही शानदार मूवी लगी मेरे को। मतलब एक्शन सीन्स देख लो या चाहे कहानी देख लो, सब परफेक्ट है। मतलब बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, ये कहने का मतलब है। मेरे को तो बहुत अच्छी मूवी लगी सर। अच्छा फिल्म के सॉन्ग कैसे हैं? नहीं फिल्म के सॉन्ग अच्छे हैं, बल्कि जानते हो फिल्म की कहानी इतनी ज़्यादा दमदार है कि सॉन्ग रखने का कोई मतलब ही नहीं था। हालांकि फिल्मों में गाना हो तो मज़ा नहीं आता, अलग चीज़ है। लेकिन इस फिल्म में जब बीच बीच में गाना है ना, तो मैं एक तरह से कायदे से बोलूँ ना तो मैं डिस्टर्ब करता हुआ कि अगर गाना ना भी आता तो मैं फिल्म को पूरा एंजॉय करता। मतलब ये कहने से मतलब गाना जो आया है, गाना डाला है, अच्छी चीज़ है। लेकिन गाना ना भी होता तब भी फिल्म को उसी तरह सपोर्ट मिलता, उसी तरह रिस्पॉन्स मिलता जैसा अभी मिल रहा है। गाना मतलब एक्सटर्नल जोड़े गए हैं, लेकिन गाना ना भी ऐड होते तो भी पिक्चर सुपर डुपर हिट। अच्छा आयुष्मान खुराना के अलावा और एक्टर की कैसी एक्टिंग थी उसमें? जी इसमें जयदीप है, उनकी एक्टिंग भी बहुत दमदार है, और एक हीरोइन भी एक्टर भी हैं, एक्ट्रेस है तो उनका नाम मेरे को पता नहीं है, लेकिन जयदीप की एक्टिंग भी मेरे को बहुत अच्छी लगी है, बहुत ही शानदार लगी है। जयदीप भी मतलब भाई बॉलीवुड में भरते हुए कलाकार है, तो उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए आज की डेट में। आयुष्मान खुराना तो है ही, पिक्चर बहुत अच्छी सर। क्या लगता है फिल्म हिट होगी? मेरे हिसाब से सर सुपर हिट तो जानी चाहिए, हिट नहीं सुपर हिट जानी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से इसकी कहानी है वो नॉर्मल बंदे के लिए नहीं है। क्योंकि ये बहुत कम ऐसी पिक्चरें बॉलीवुड में आती हैं, खासकर इस टाइम पे आई हैं, जो आपको बांधे रखती हैं। जैसे कि अभी दृश्यम 2 आई थी, दृश्यम 2 की कहानी इतनी मतलब वो थी सस्पेंस वाली थी कि आपको मतलब शुरू में चाहे समझ में ना आती रही हो, पर एंड में आपको समझ में आई है क्लाइमेक्स देख के। ऐसे ही एन एक्शन मूवी है, तो इसमें आपको क्या है कि हालांकि वो मर्डर मिस्ट्री थी, अलग चीज़ है, तो इसमें सेम ही चीज़ है। मतलब सेम का मतलब कि कहानी सेम नहीं कहूँगा, लेकिन सस्पेंस इसमें जिस तरह से आया ना, उस चीज़ों को देखकर ऐसा लग रहा है कि भैया दृश्यम और ये क्या कहते हैं अभी जो भेड़िया मूवी आई थी उसके बाद अगली सुपरहिट मूवी यही है। मेरे को तो परफेक्ट मूवी लग रही है, मेरे को लग रहा है कि अच्छा खासा पैसा कमाएगी सर। कितने स्टार देना चाहेंगे? सर मैं इसमें तो फिल्म मतलब 5 में से 3.5 स्टार देना चाहूँगा, 1.5 स्टार का करना चाहूँगा, 3.5 स्टार दूंगा। 1.5 स्टार क्यों काटे सर? सर हो गया यही बीच बीच मतलब कि जो म्यूजिक बैकग्राउंड है वो मेरे को खास नहीं लगा, और लेकिन गाने जो जुड़े गए वो भी मतलब जुड़े गए हैं, और बाकी परफेक्ट है, ये लग रहा है। ओके सर, थैंक यू।